अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर जो हमने इस चैप्टर का स्टडी किया था वो पाकिस्तान में टैक्सों की इकसाम थी। आज नेक्स्ट टॉपिक मरकजी हुकूमत की आमदनी के ज़राए, मीन्स के हुकूमत के पास कहां कहां से आमदनी आती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं, उनको हमने आज स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है दरआमदी और बरआमदी महसूलात, कस्टम ड्यूटी। दरआमदी और बरआमदी महसूलात मीन्स जो चीज़ हमारे पास मुल्क से दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में आ रही है, जब वो हमारे मुल्क में आती है तब भी उसके ऊपर टैक्स लगता है। जब वो हमारे मुल्क से कोई भी चीज़ बाहर जाती है, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ों को, तो उनके ऊपर टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटीज़ उनको कहा जाता है। ये भी एक ज़रिया है हमारे पास हुकूमत को, जिस ज़रिए से आमदनी मिल रही होती है। दरआमदी और बरआमदी महसूलात, दोबारा बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास बाहर जा रही होती हैं, जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जब भी वो एक्सपोर्ट हो रही होती हैं या इंपोर्ट हो रही होती हैं उन पर टैक्स लग रहा होता है। ये भी सारा टैक्स हमारे पास हुकूमत की आमदनी में शामिल होता है। नंबर वन पॉइंट था। नंबर टू पॉइंट है हमारे पास मरकजी एक्साइज ड्यूटी। मरकजी एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? हुकूमत दरआमदात और बरआमदात पर तो दरआमदी और बरआमदी महसूल आयद करती है, लेकिन मुल्क के अंदर कारखानों के ज़रिए जो भी अशिया पैदा की जाती हैं उन पर मरकजी एक्साइज ड्यूटी आयद की जाती है। देखिए वो क्या कह रहा है कि जो भी हमारे पास मुल्क में कारखानों के अंदर जो भी चीज़ें पैदा हो रही होती हैं कारखानों के ज़रिए, उन अशिया पर भी टैक्स आयद होता है, मरकजी एक्साइज ड्यूटी कहलाती है। इस ज़रिए से हासिल होने वाली आमदनी में अब बतरीजी इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजूहात हैं कि एक तरफ तो एक्साइज ड्यूटी आयद की जाने वाली अशिया की तादाद में खासा इजाफा हो गया है। देखिए वो क्या कह रहा है, मिसाल हमारे पास जिन पे भी हमने एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, जिन चीज़ों पर, उन अशिया की पैदावार में भी इजाफा हो गया है, तो हमारे पास एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा होता चला जाएगा। एक हमारे पास सबसे पहले जो था दरामदात और बरामदात था एक ज़रिया। दूसरा ज़रिया हमारे पास क्या है, जो भी चीज़ें हमारे पास कारखानों में पैदा हो रही होती हैं उन पर जो ड्यूटी लग रही होती है वो एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, और ये भी सारा जितना भी एक्साइज ड्यूटी है हमारे पास हुकूमत के पास जारी होती है। नंबर थर्ड पॉइंट है इनकम और टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। पाकिस्तान में हर शख्स जिसकी आमदनी 4 लाख रुपये सालाना से ज़ायद हो उस पर आमदनी टैक्स आयद कर दिया जाता है। जी मीन्स पाकिस्तान में जो भी 4 लाख रुपए सालाना जो है वो ले रहा होता है, सालाना की बात की जा रही है, उस पर 4 लाख से ज़ायद होता है उस पर आमदनी टैक्स आयद किया जाता है। इसकी शरह मुस्तज़ाइद है, ये आमदनी बढ़ने के साथ बढ़ता चला जाता है। मतलब मुस्तज़ाइद टैक्स हमारे पास वो होता है कि अगर हमारे पास आमदनी बढ़ रही है, मतलब 4 लाख से ज़्यादा है, 4 लाख से जिसकी ज़्यादा है उस पर तो लगेगा ही, अगर और मज़ीद बढ़ती जा रही है ईयरली तो उसके ऊपर मज़ीद टैक्स बढ़ता जाता है, लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शरह 45% है। आगे हमारे पास देखें, इसके अलावा मुश्तरका सरमाए की अनियमनों और तजारती इदारों पर कॉरपोरेशन टैक्स भी वसूल किया जाता है। कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, मुश्तरका सरमाए की अनियमनें हैं हमारे पास, जिन्होंने लोगों ने कुछ म्यूचुअल गोल्स के लिए बनाई हुई हैं, लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए हुए हैं, ऐसी चीज़ों पे भी हमारे पास कॉरपोरेशन टैक्स लगता है। ये टैक्स बराह रास्त होता है और इनको हर हाल में अदा करना पड़ता है। हमने पढ़ा है कि बराह रास्त टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, और ये जिस शख्स पर लगाया जाता है उसको हर हाल में अदा करना होता है। उसके बाद देखें 2020 और 21 के बजट में कुल हासिल का तखमीना 203,752 मिलियन रुपये लगाया गया है। आगे हमारे पास है बिक्री टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स हमारे पास जो इनकम टैक्स पे लगता है, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पर जो टैक्स लगाया जाता है, या तजारती अदारों पे, वो हमारे पास कॉरपोरेशन टैक्स कहलाता है। ये सारा टैक्स भी हुकूमत के पास जाता है। बिक्री टैक्स, सेल्स टैक्स, मरकजी हुकूमत दरामदी और बरामदी महसूलात और मकसी एक्साइज ड्यूटी के अलावा भी बाज अशिया की फरोख्त पर बिक्री टैक्स वसूल करती है। हम जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं जो हम उसके ऊपर बिक्री टैक्स लगा हुआ होता है, उस कीमत में बिक्री टैक्स मौजूद होते हैं, ये सारा टैक्स भी हमारे पास हुकूमत के पास जा रहा होता है। ये हुकूमत की आमदनी का चौथा बड़ा जरिया है। इसके अलावा कुछ हमने कॉरपोरेट टैक्स पढ़े हैं, इनकम टैक्स पढ़े हैं, बिक्री सेल्स टैक्स। आगे देखें और कुछ अदर टैक्सेस उसने बताए हैं, इनमें कौन कौन से टैक्सेस शामिल हैं।
ऊपर बयान करदा टैक्सों के अलावा भी हुकूमत कई और किस्म के टैक्स लगाती है और इनसे आमदनी हासिल करती है। मसलन सरचार्ज टैक्स जो कि आम इनकम टैक्स पर 10% के हिसाब से वसूल किया जाता है। सरचार्ज टैक्स है जो कि सिंपल सरचार्ज टैक्स इनकम टैक्स पर 10% के हिसाब से वसूल, जितना इनकम टैक्स होता है हमारे पास उसके हिसाब से सरचार्ज टैक्स भी लगाया जाता है और वो कितना इनकम टैक्स पर 10% के हिसाब से लगाया जाता है। इसके अलावा स्टॉम टैक्स भी है, अलावा जी और भी टैक्स हैं, डॉलर टैक्स, तोहफा टैक्स, विरासत टैक्स। डॉलर टैक्स की सूरत में 10 लाख रुपए से जायद की दौलत पर यह टैक्स लगता है। जिसके पास 10 लाख रुपया मौजूद होगा, बैंक में मौजूद होगा, उसके ऊपर ये 10 लाख की जायद की सूरत के ऊपर डॉलर टैक्स लगाया जाता है। तोहफा टैक्स भी है, तोहफा टैक्स की सूरत में 20,000 रुपये की मालियत तक के टैक्स माफ़ है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़्यादा मालियत के तोहफे पर टैक्स लागू होता है। विरासत टैक्स स्टेट ड्यूटी एक्ट 1930 में जारी हुआ, जिसके मुताबिक विरासत टैक्स मरने वाले की जायदाद उसके विरासत को मिलने पर लगता है। विरासत टैक्स हमारे पास होता है जब एक शख्स की डेथ हो गई है, उसकी विरासत उसके बच्चों में तकसीम होगी, जब वो बच्चों को विरासत मिलती है तो उस पर विरासत टैक्स भी लगाया जाता है। ये सारे भी हमारे पास हुकूमत की आमदनी के ज़राए हैं। जो भी टैक्स इसमें से हासिल होता है वो हुकूमत के पास जाता है। डाक, तार और टेलीफोन ये महकमे बराह रास्त खिदमात पहुँचाने का काम करते हैं। हुकूमत हर साल इनकी शरह में कुछ ना कुछ इजाफा करती है। हमारे पास ये डाक है, तार है, टेलीफोन है, इन चीज़ों की हमारे हमें खिदमात पहुँचा रहे हैं, इन चीज़ों पे भी हुकूमत टैक्स लगाती है, जो कि हुकूमत को हुकूमत के ही ज़राए जो हैं इनमें टैक्स के ज़राए ये सारे हुकूमत के पास ही जा रहे होते हैं। सूद की वसूलियाँ मरकज़ी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत और म्यूनसिपल कमेटियों और कॉरपोरेशन को कर्जे दिए हुए हैं, जिन पर ये सूद वसूल करती हैं। ये सूद भी हुकूमत की आमदनी का जरिया है। अमलाक और कारोबार से आमदनी, इसके अलावा हुकूमत खुद भी कारोबार करती है, इससे भी जो उनके पास मुनाफा आ रहा होता है वो सारा हुकूमत के पास जा रहा होता है। माशी खिदमात और सिविल इंतज़ामिया से वसूलियाँ, ये भी हमारे पास माशी खिदमात हैं और सिविल इंतज़ामिया। हुकूमत जो माशी खिदमात हम पहुँचाती है, नए सिविल इंतज़ामिया से भी हुकूमत को आमदनी हासिल होती है। ये सारी भी हुकूमत की आमदनी के जरिए हैं। मुतफरक वसूलियाँ, मुतफरक वसूलियाँ क्या हैं? अलावा हुकूमत मुख्तलिफ ज़राए से वसूलियाँ करती हैं, जिनमें करंसी और टकसाल, दिफाई खिदमत से वसूलियाँ, नीलामी, इंश्योरेंस और दीगर शोबों से वसूलियाँ शामिल हैं। इसमें भी हमारे पास जो इंश्योरेंस है हमारे पास आ रही होती हैं वसूलियाँ, नीलामी वसूलियाँ, और ये भी टकसाल, दिफाई खिदमत, ये भी सारी चीज़ें हमारे पास, इनसे जो भी हम टैक्स वगैरह ले रहे होते हैं, इंश्योरेंस है, नीलामी, इंश्योरेंस और दीगर शोबे हमारे पास मौजूद हैं, जितने भी ये सारा कुछ हुकूमत के पास जा रहा होता है। ये कुछ हमारे पास ज़राए हमने पढ़े हैं, जो जितनी भी आमदनी है हुकूमत के पास जो आ रही है वो ज़राए हैं। दरामदी बरामदी महसूलात है, मरकजी एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स है, उसमें बिक्री टैक्स है, और देगर महसूलात अदर टैक्सेस हैं, डाक, तार और टेलीफोन, सूद की वसूलियाँ, इमलाक और कारोबार से आमदनी। ये सारे इस तरह के टैक्सेस हैं, ये इनसे जितनी भी आमदनी हमारे पास आ रही है ये सारी आमदनी हुकूमत के पास जाती है। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही बहुत, लेकिन आप इस चैप्टर के भी साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर याद करते रहें। अल्लाह हाफिज़।